हाय फ्रेंड्स, मैं आर्यन हुसैन स्वागत करता हूँ आपका मेरे चैनल पेट्स दीवानगी में। आज हम लोग मून कैटल एंड डेयरी फार्म पगलाहट का देखेंगे, ठीक है, जहाँ पे बहुत ही खूबसूरत जानवर है और सब लैक के अंदर है। कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पर दिया हुआ है और मैं लोकेशन बता देना चाहता हूँ जहाँ पे मैंने बड़े बड़े कैंगरेज का कच्चा माल का वीडियो बनाया था लाल पीला कैटल फार्म में, बस उसके ही ये दाहिनी तरफ है, ठीक है ना। मतलब उस कैटल फार्म के हिसाब से अगर आप उस गेट की तरफ में जाएं तो वहाँ पे आप लोगों को दाएं हाथ की तरफ में आप लोगों को ये कैटल फार्म दिखेगा। और सबसे बेस्ट यही होगा कि आप लोग मतलब जो पगलाहट का जो लाल पीला खटाल है उससे पहले ही ये पड़ेगा, ठीक है ना, ये रास्ते ही में पड़ेगा आप लोगों को उसी वे में। तो आप लोगों को जाना है यहाँ पे कुछ इस तरीके से, आप लोग लकड़ी पुल भी इधर पकड़ सकते हैं इस कैटल फार्म जाने के लिए, या फिर एक न्यू ब्रिज है जो कि पगलाहट के पीछे की तरफ से आ रही है पक्की सड़क, वहाँ से भी आप लोग आ सकते हैं, ठीक है। तो आप लोगों के लिए मैंने वीडियो के शुरू में नंबर दे दिया है, वहाँ पे आप लोग कॉल करके बात कर लें कि किस तरीके से आना है। माशाल्लाह जानवर बहुत ही खूबसूरत है इनके पास में और लैक के अंदर जानवर है। अब कितने अंदर हैं ये आपको खुद जाकर ओनर से बात करना पड़ेगा, क्योंकि माशाल्लाह जानवर बहुत ही खूबसूरत हैं। कुछ जानवरों को मैंने बाहर भी निकाला है आप लोगों के लिए, ठीक है ना। तो वीडियो को इन्जॉय करें और एक जानवरों को अच्छे तरीके से देखें। भाई ये जानवर, ये सब जो जानवर है ना भाई, बहुत चॉइस वाले जानवर है। अगर इस मुंडी जानवर पे आप लोग ध्यान दें, मैं ये गारंटी के साथ कहता हूँ कि ये मुंडी जानवर के पीछे बहुत सारे लोग लगने वाले हैं। कस्टमर तो छोड़ दिए, कैटल फार्म वाले भी इसके पीछे दीवाने हो जाएंगे, क्योंकि बहुत ही हिट चीज़ है भाई। मैंने इसे पर्सनली निकाल कर आप लोगों के लिए वीडियो बनाया है, बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है, प्राइस बहुत ही नेगोशिएबल है। आप लोग जल्दी से आएँ, अपने जानवर के लिए बात करें। बहुत ही अच्छा कलेक्शन मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, ठीक है ना। तो इस तरीके के जो जानवर होते हैं वो बहुत ही जल्दी निकल जाते हैं। लोगों में ये बहुत बड़े मिथ है कि बड़े जानवरों के पीछे लोग बहुत ज़्यादा भागते हैं। नहीं, बड़े जानवरों को लोग देखने के लिए भागते हैं, बड़े जानवर के एक सिलेक्टेड कस्टमर होते हैं, लेकिन इस तरीके के जानवर के काफ़ी सारे कस्टमर्स होते हैं। तो ये वीडियो को देखकर इस गुमान में ना रहें आप लोग कि वक्त है अभी हाथ में और आराम से जाकर देखेंगे। आप जब तक देखने जाएंगे तब तक ये सब जानवर ख़त्म हो चुका होगा, बिक चुका होगा, ठीक है ना। तो बेहतर यही है कि आप लोग वक्त रहते जाएं और अपने जानवरों को ख़रीदें। माशाल्लाह बहुत ही बेहतरीन कलेक्शन है। अगर ये ब्राउन वाला जानवर पे अगर आप लोग फोकस करें, बहुत ही खूबसूरत चीज़ है भाई। तो कलेक्शन बहुत ही नायाब है मून डेरियन कैटल फार्म का। तो काफ़ी दिनों के बाद मैं आप लोगों के सामने एक ब्लॉगिंग लेकर आया हूँ। ये देखिए, ये एक जानवर बहुत ही प्यारा लगा मुझे। इस जानवर को अगर जो भाई लोग लेकर इसे अगर तैयार कर दें एक साल के लिए, बहुत ही यूनिक चीज़ बनेगा ये, क्योंकि पूट की खूबसूरती है, जानवर का शेप बहुत ही बेहतरीन है, ठीक है ना। सोना को पहचानने के लिए एक अच्छा सोने को बिक्री करने वाला चाहिए, ठीक है ना। उसे पता होना चाहिए कि मैं सोने को पिघलाकर जब उसकी एक आकार दूंगा तो उसमें क्या खूबसूरती आएगी। तो ये अभी ये सोने हैं, इसे अगर तैयार किया जाए तो बहुत ही बेहतरीन चीज़ बनेगा। इसकी पूट की गुलाई देखें अगर, और जानवर की खूबसूरती देखें। और उसके बाद ये वाला भी जानवर बहुत ही बेहतरीन है भाई, खड़े सिंह का जानवर है आपका, और इसकी भी पूट बहुत ही बेहतरीन है, शेप वाला जानवर। मैं ये सब जानवरों को निकालूंगा, चेहरे की अगर खूबसूरती देखें भाई, ये सब बहुत ही अलग चीज़ मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। तो कैटल फार्म वाले और कस्टमर्स दोनों के लिए यहाँ पे आप लोगों को आप लोग जानवर ले सकते हैं। बहुत ही अच्छा प्लेस है और अभी तक यहाँ पर कस्टमर्स का फुटफॉल नहीं हुआ है और बहुत ही जल्द होगा। और माशाल्लाह माशाल्लाह सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ के 5 जानवर जिस दिन मैंने यहाँ वीडियो बनाकर बस अभी निकला ही हूँ, 10 से 15 मिनट का देर हुआ होगा, और उसके बाद मुझे यहाँ से फ़ोन आता है कि 5 जानवर जो है अल्हम्दुलिल्लाह सोल्ड आउट हो चुके हैं, ठीक है। वो 5 जानवर कौन से हैं मैं आप लोगों को बता दूंगा, लेकिन काफ़ी सारे जानवर यहाँ पे अभी भी मौजूद हैं। तो आप लोग यहाँ पर जाकर अपने जानवर के लिए बात कर सकते हैं, ठीक है ना। कलेक्शंस बहुत ही खूब, मुंडी का एक बहुत ही बेहतरीन कलेक्शन है, जानवर की खूबसूरती बहुत ही ज़बरदस्त है भाई। इस तरीके के जानवर का भी होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि हमारे दरमियान में ऐसे बजट के लोग काफ़ी ज़्यादा हैं। लोग सिर्फ हायर क्वालिटी को लेकर बैठ गए हैं, जो कि बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है भाई। हर तरीके के टेस्ट को रखना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि आप सिर्फ एक पोजीशन में एक लोग को जानवर नहीं बेच रहे हैं, आपको हर इंसान का शौक को देखकर चलना पड़ेगा। क्योंकि भाई ये जो चीज़ है ना, ये दिल वाली चीज़ होती है, ठीक है। तो दिल जोड़े ना कि दिल तोड़े। ये देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही खूबसूरत कलेक्शंस के साथ मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ आज मून डेरियन कैटल फार्म से। बहुत ही बेहतरीन कलेक्शंस का जानवर ये बना, देखें। एक सिंह हल्का मैनी की तरह है और एक सिंह खड़ा है, ये बहुत ही खूबसूरत चीज़ है। हाइट भी इसकी बहुत ही लाजवाब है। जानवर की खूबसूरती देखें, जो जानवर वाइट जानवर एक्चुअल वाइट रहेगा उसमें एक अलग खूबसूरती लगेगी। सब वाइट वाइट जानवर कितने बेहतरीन लग रहे हैं आप लोगों को देख रहे हैं। मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि ये संडे यहाँ काफ़ी ज़्यादा मतलब काफ़ी ज़्यादा भीड़ लगने वाला है, ठीक है ना। तो आप लोग
मैं यही कहूँगा कि उस भीड़ का एक हिस्सा बनकर इस जानवर को इस भीड़ से निकालकर बहुत ही जल्द लेकर चले जाएं, क्योंकि अगर आप लोग इस गुमान में रहेंगे कि अभी तो वक्त है आराम से जाएंगे, तो भाई मैं कुछ नहीं कर सकूँगा उसके लिए। आप लोगों के लिए मैं बेस्ट चीज़ लेकर आता हूँ, क्योंकि एक अच्छा चीज़ आप लोगों को सामने लाकर मैं दिखा रहा हूँ, ताकि आप लोग यहाँ के जानवर से आशना हो, आप लोग यहाँ के जानवर खूबसूरती को पहचाने जाने, ठीक है ना, और आप लोग यहाँ पर आए। अल्लाह इकरम से काफ़ी सारे कैटल फार्म्स को मैं अभी तक मतलब जहाँ जहाँ दिखाया हूँ, अल्लाह इकरम से हर जगह कस्टमर्स का फुटफॉल कराया हूँ। ये मेरी बड़ी बोल नहीं है, ये मेरी मेहनत है भाई, क्योंकि मेरा मकसद यही रहता है कि जिस कैटल फार्म का मैं जानवर दिखाऊँ वहाँ पर कस्टमर आए। हाँ, वो अलग सी बात है कि कुछ कैटल फार्म वाले अपने मतलब उस वक्त को भूल जाते हैं जिस वक्त वो मेरे साथ थे, जो कि बहुत ही ज़रूरी है कि आप भूले नहीं किसी को, वरना इंसान आन में अपना शान जला देता है। तो बेहतर है भाई कि आन में अपना शान ना जलाएं और इंसान को पहचानते रहें, ठीक है ना। ये देखिए, तो खूबसूरती बहुत ही बेहतरीन है इन जानवरों की। काफ़ी सारे कैटल फार्म्स वाले ऐसे भी हैं कि वादा करके फिर जाते हैं कि भाई, तो मैं उनसे यही कहना चाहूँगा भाई कि हम लोगों का आप लोग कुछ बिगाड़ नहीं सकते, ठीक है ना। आप काफ़ी सारे जानवर को सेल कर रहे हैं, अगर हमारी खुशी और हमारे मेहनत का अगर कुछ अजर आप लोग अपने खुशी से दे दें। अभी तक मैंने कहीं पे चार्ज की बात नहीं किया था, लेकिन अब मैं चार्ज लेना शुरू कर दिया हूँ, क्योंकि भाई इंसान की खुशी 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 के चक्कर में मैं खुशी से तो कोई कुछ देते ही नहीं है, ठीक है ना। तो भाई बहुत ही ज़रूरी है कि इंसान की मेहनत को समझें, वरना अपने जानवर को अपने खटाल के जेबा बनाकर रख दें और कुछ होने वाला नहीं। काफ़ी सारे कैटल फार्म्स में मैं देखा हूँ जो अक्सर धोखेबाजी किया करते थे, मतलब काम कराकर वो मतलब वो चीज़ को हम लोगों को हाथ में मतलब वो उसकी अदायगी नहीं करते थे, वो अपने जानवर को लेकर बैठे हुए हैं। क्या प्रॉफिट लेंगे भाई, जानवर तो निकल ही रहे हैं। अरे भाई दीजिएगा नहीं तो आपको ऊपर वाला देगा कहाँ से। हर की मेहनत को समझने की कोशिश करें। आप लोगों के लिए हम लोग प्रमोशन करते हैं, आप लोगों का खटाल का कस्टमर्स को लेकर आते हैं आप लोगों के लिए। क्यों भाई, पता है यूट्यूबर का एक सबसे बड़ा मेन थीम क्या होता है, अगर आपको मैं कस्टमर्स दिला रहा हूँ ना, तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। एक एक एडवर्टीजमेंट का कितना अमाउंट लगता है, आप कभी अगर आप लोग यूट्यूब लाइन में आए उसके बाद समझ में आएगा। फ्री में एडवर्टीजमेंट हो जाता है, उसके बावजूद भी इंसान इतने बेगैरत हो चुके हैं आज के ज़माने में कि कुछ मतलब नज़र नहीं आती उन्हें। कोई बात नहीं, अल्लाह मालिक है। जैसे कि इस कैटल फार्म से माशाल्लाह बहुत ही एक अच्छी इन्विटेशन आई कि भाई आइए आकर यहाँ पे कैटल फार्म है, मेरी वीडियो बनाइए। हल्के फुल्के जानवर रखे हुए हैं, बहुत ही ज़्यादा हाई रेंज के जानवर नहीं है, बहुत ही खुश मतलब खुश मिजाजी के साथ बहुत ही अच्छे तरीके से इन्होंने हमारी खुशामदीद की। बहुत ही अच्छा लगा भाई, और एक अदायगी भी की हमें, जो कि बहुत ही बेहतरीन लगा कि हाँ भाई लोग मेहनत को समझते हैं। तो मेहनत को समझना बहुत ही ज़रूरी है, और हमारी दुआएं इनके साथ हैं कि इंशाल्लाह आने वाले वक्त में हर एक जानवर यहाँ का सोल्ड आउट होगा, क्योंकि अल्लाह करम से जिस जिस कैटल फार्म में मैं वीडियो बनाया हूँ, जब लोग खुशदिली से मिले तो उनका काम बहुत ही बेहतरीन हुआ, और उसके बाद जब लोगों में थोड़ी सी भी ऊँच नीच आ गई, उसके बाद वो फिर आप लोग देख ही रहे हैं कि मार्केट में वो लोग कहाँ हैं। तो आप लोग देख सकते हैं फ्रेंड्स, कलेक्शन बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही उम्दा चीज़ मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, और कुछ बातें मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ कि मेहनत को परखना सीखें, वरना आप भी एक बिज़नेस कर रहे हैं और मैं भी एक बिज़नेस कर रहा हूँ। आप कैटल फार्म में बिज़नेस कर रहे हैं और मैं अपने यूट्यूब में बिज़नेस कर रहा हूँ, क्योंकि मेन काम तो मैं आपका कर रहा हूँ, मेन काम हम यूट्यूबर्स कर रहे हैं आप लोगों के लिए कि आप लोगों के जानवर को, आप लोगों को धूप में हल कर आप लोगों के जानवर को दिखा रहे हैं। लेकिन फिर भी आप लोगों में थोड़ी सी बेगैरत मतलब इतनी गैरत नहीं है कि आप लोग थोड़ा सा इंसान को समझने की कोशिश करें। जो खर्रा बात है वही बोलूँगा, 10-10 लाख का एक एक जानवर बिक्री करने का हिम्मत रखते हैं, लेकिन पॉकेट से 10,000 रुपया निकलता नहीं है कि हाँ भाई चलो इनकी खुशियों के खातिर, इनकी मेहनत को देखकर हम लोग आगे बढ़कर कुछ करें। नहीं, वो कैसे होगा, दे देंगे तो फिर घट जाएगा, और वही जानवर जो आप लोगों का अच्छा रेट में बिक्री हो रहा था, नहीं इसे रोक कर बिक्री करेंगे तो और अच्छा मिलेगा। वक्त गुजर जाता है भाई, लेकिन दाम जानवर का दाम गिर जाता है। तो इसलिए अगर अच्छा सोच रखेंगे तो अच्छी इनकम आएगी, और गलत सोच रखेंगे तो भाई पता है सयाना मत बने ज़िंदगी में, क्योंकि सबसे बड़ा सयाना ऊपर बैठा हुआ है। अल्लाह करम से जितना भी जगह वीडियो बनाया हूँ, कभी अपना मेहनत से कभी पीछे नहीं हटा हूँ, हर जगह काम करके आया हूँ, लेकिन फिर भी लोगों में बहुत बड़ी गलती है जो इंसान को सुधारनी चाहिए। आज लोग रो रहे हैं बैठ के कि भाई जानवर सेल नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, तो भाई सबसे पहले आप ये देखें कि आपकी गलती कहाँ हो रही है। बरकत वहीं होता है ना भाई, जहाँ इंसान खुशी से आगे वाले इंसान की मेहनत को भी देखते हैं। उड़ जाने के बाद तो लोग सोचते हैं कि हम बहुत बड़ा बन गए। नहीं भाई, कब बड़ा छोटा बन जाता है, कब छोटा बड़ा बन जाता है समझ में नहीं आता, ये वक्त वक्त की बात है।
तो इसलिए इंसान को अपना जो एक दायरा है उसमें बहुत ही अच्छे तरीके से रहना चाहिए। हर एक की मेहनत को समझने की कोशिश करें आप लोग। ब्लॉगिंग का मेन मकसद होता है कि कुछ अच्छी बातों को समझाएं और कुछ जानवरों को दिखाएं, जो कि बहुत ही हकीकत बात है। इस लाइन का बहुत ही खर्रा आदमी हूं मैं, एकदम मुंह के ऊपर बोलता हूं। इसके अगल बगल में कुछ ऐसे कैटल फार्म वाले जो कुछ वादा करके फेर चुके हैं, तो मैं उनसे बस यही कहूँगा भाई कि वादा करके फेरने से आपकी जो गलती हुई वो यही गलती हुई कि आप जो चीज़ चाहते थे वो नहीं हो पाया और हकीकत समझ में आ गए, चेहरे समझ में आ गए। तो बेहतर है भाई कि अब मैं बहुत ही कदम फूंक कर रखता हूँ, क्योंकि क्या कहूँगा आज के ज़माने में इंसान को, फ़ायदा के चक्कर में इंसान किसी की मेहनत को भूल जाते हैं। लेकिन एक बात याद रखिए भाई, हर बाप का एक बाप होता है और सबसे बड़ा बाप ऊपर बैठा हुआ है, याद रखिए। बस इतना ही कहूँगा, समझदार के लिए इशारा काफ़ी है। तो बहुत ही खूबसूरत कलेक्शंस के साथ मैं आप लोगों को यहाँ का वीडियो दिखा रहा हूँ, ठीक है ना। ये देखिए, मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ कि कलेक्शंस कितना खूब है। इस तरीके के कलेक्शंस को लोग तलाश रहे हैं। तो ये व्लॉगिंग, ये फुल व्लॉगिंग जो मैंने आप लोगों को दिखाया, बहुत ही हिट कलेक्शंस है। तो इस व्लॉगिंग में आप लोगों ने अच्छे तरीके से जानवरों को देखा, कुछ समझा, कुछ सीखा। हम यूट्यूबर्स को भी कुछ सिखाया मैंने, क्योंकि व्लॉगिंग का मेन मकसद यही होता है कि जानवर के साथ साथ आप लोग कुछ बातों को भी, अच्छी बातों को भी बताएं और उसमें थोड़ी सी अमल कर ली जाए, तो इंशाल्लाह तरक्की काफ़ी अच्छी होगी। जानवर बहुत ही खूबसूरत है, कलेक्शंस बहुत ही बेहतरीन है और बहुत ही उम्दा चीज़ है। तो देखिए, जब मैं यहाँ पे गया था भाई, तो इस कैटल फार्म में, तो मैंने पूछा कि भाई अभी तक आप लोगों के कोई जानवर निकला या नहीं निकला। बोले भाई अभी तक एक जानवर भी नहीं निकला। लेकिन माशाल्लाह देखिए, उनकी मतलब उनको जो मतलब बढ़ के जो उन्होंने बुलाया और इतना इज्जत दिया, उनकी इज्जत के खातिर मेरे दिल में खुशी मिली। और खुशी के खातिर मतलब मैं रास्ते में बात करते करते जा ही रहा था कि भाई कितना अच्छा इखलाक इन लोगों का, और फिर फ़ोन आता है कि 5 जानवर निकल गए, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये होती है इंसान की अच्छाई, इंसान अच्छे रहेंगे तो फिर जानवर खुद ब खुद बिकेंगे। ये देखें फ्रेंड्स, ये मुंडेरियन कैटल फार्म का एक बहुत ही खूबसूरत से जानवर मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। ये पहला जानवर जो कि अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही बेहतरीन चीज़ है, ये देखिए। तो कलेक्शंस बहुत ही उम्दा है इनके पास में। एक एक जानवर को अब मैं आप लोगों को फोकस कराऊंगा, कुछ बेहतरीन कलेक्शंस को मैं आप लोगों के सामने हाजिर किया हूं। तो ये सब आप लोगों का मुंडेरियन कैटल फार्म का है, ठीक है ना। ये देखिए कलेक्शंस कितनी खूब है, गुलाई बहुत ही बेहतरीन है, चेहरा बहुत ही खूबसूरत है जानवर का, और इस तरीके के जानवर लोग काफ़ी सारे तलाश रहे हैं, ठीक है। तो मैं आप लोगों को कह दिया हूँ कि लैक के अंदर के जानवर हैं, और वो अब कितने अंदर हैं ये आप लोग कैटल फार्म के अंदर जाकर ओनर से बात करें, ठीक है। ये देखिए कलेक्शंस बहुत ही खूब, बहुत ही बेहतरीन चीज़। मैं हमेशा कहता हूँ कि भाई वाइट जानवर को वाइट रखना बहुत ही ज़रूरी है। बहुत ही बेस्ट कलेक्शंस मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ पगला हार्ट से, ठीक है। ये देखिए माशाल्लाह, बहुत ही यूनिक चीज़ मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ भाई। तो आज मैंने इनके पास से काफ़ी सारे जानवरों को निकाला, तो इस वीडियो में आप लोग बने रहें। इस वीडियो में कुछ ऐसे जानवर हैं जो आप लोगों के आंखों के सामने आएंगे और आप लोगों का दिल मचल जाएगा उस जानवर को लेने के लिए, ठीक है ना। ये देखिए बहुत ही खूबसूरत चीज़ भाई, माशाल्लाह बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही अच्छा चीज़ मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। ये देखें गुलाई, देखें जानवर की बहुत ही खूबसूरत है, पूंछ की बनावट बहुत ही बेहतरीन है। ये देखें, तो जिन भाइयों को भी यहाँ से जानवर चाहिए वो जल्दी से जल्दी आएँ और अपने जानवर को यहाँ से ख़रीदें और लेकर जाएँ, ठीक है ना। ये देखें एकदम मिल्की वाइट जानवर है भाई। तो वीडियो के साथ बने रहे, आगे काफ़ी सारे और भी जानवर आएंगे जो आप लोगों को ख़रीदना है यहाँ से और आप लोगों को लेकर जाना है। क्योंकि एक बात बता देता हूँ मैं कि यहाँ के जो कलेक्शंस है, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि एक एक जानवर पर 10-10 लोग पढ़ने वाले हैं, क्योंकि ये कलेक्शंस बहुत ही खूबसूरत कलेक्शंस मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। चलते हैं आप दूसरे जानवर की तरफ में। ये देखिए, तो ये वाला जानवर को देखिए, मतलब बहुत ही प्यारा चेहरा, कलेक्शंस बहुत ही खूबसूरत, चॉइस बहुत ही बेहतरीन। ये देखिए मतलब पहली नज़र में ये सब जानवर पसंद आ जाने वाली चीज़ है। गुलाई बहुत ही खूबसूरत जानवर, बहुत ही बेहतरीन। तो मैं यही कहना चाहूँगा भाई कि जिन भाइयों को भी यहाँ से जानवर चाहिए वो जल्दी से जल्दी आएँ और अपने जानवर को यहाँ से ख़रीदें और लेकर जाएँ। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ के कलेक्शंस बहुत ही खूबसूरत हैं। याद रखें भाई, कैटल फार्म देख कर जानवरों को जज ना करें। बहुत ही अच्छी मतलब कोटेशन है कि डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। अल्लाह के करम से ये जो कैटल फार्म है ना, आज मैं एक गारंटी के साथ कहता हूँ कि ये मून कैटल फार्म, ये अपने नाम के साथ ये वो चांद है जो आने वाले वक्त में बहुत चमकने वाला है। क्योंकि जिस इंसान के अंदर में अच्छाई रहेगी वो अल्लाह के करम से आगे आकर बहुत ही कामयाब होगा। बस मैं यही कहना चाहूँगा कि कामयाब होने के बाद अपने मयार को ना भूलें, क्योंकि जो इंसान अपने मयार को भूल जाता है कामयाब होने के बाद, फिर अल्लाह ताला उसे एक पल में ज़मीन पे गिरा देते हैं।
तो बेहतर है भाई कि अपने आप को समझे और हमेशा हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करें। तो जैसे कि मैं कह रहा था कि ये मून कैडल फॉर्म का नाम बहुत ही खूबसूरत है। तो मून कैडल फॉर्म एक वक्त में बहुत ही चमकने वाला है, ये देखिए। और माशाल्लाह इनके जानवरों से आप लोगों को समझ में आ रही होगी कि इनके जानवरों में क्या चमक है। ये सब जानवर तो अभी सही से नहलाए धुलाए नहीं गए हैं। आप लोग जाएं और जाकर इतवार को इन जानवरों को सामने से देखें। जब ये सब जानवर नहा धोकर निकलेंगे ना, तो एक अलग खूबसूरती नज़र आएगी इनकी। बहुत ही प्यारा जानवर है भाई, बहुत ही खूबसूरत कलेक्शंस। तो भाई ऐसा जानवर मैं चुन कर लेके आता हूँ जो हमारे भाइयों के लिए बहुत ही कारगर फ़ायदा हो, मतलब अच्छा चीज़ मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, क्योंकि हर बजट का भाई को मुझे जानवरों को दिखाना पड़ता है। ठीक है, ये देखें, ये आप लोगों का तीसरा जानवर। हर एक जानवर अपने में यहाँ पे भाई खूबसूरती, अगर आप लोग देखें शेप देखें जानवर की, तो चॉइस मतलब बहुत ही खूबसूरत है यहाँ के आपके ओनर का, जो कलेक्शंस को मतलब चूज़ किए हैं। एक बहुत ही अच्छा अच्छा कलेक्शंस। जानवर काफ़ी हाइट वाला नहीं है, लेकिन जानवर में खूबसूरती है। और ये जो चीज़ है ना भाई, ये खूबसूरती ही की चीज़ है कि लोग खूबसूरती पे ही दाम देते हैं, और बहुत ही रिजनेबल प्राइस है इस जानवर। एकदम बाछी जानवर मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, ये वाला देखिए। तो ये बछिया जानवर को मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, जो कि आप लोगों का मून डेरियन कैटल फॉर्म से। तो आप लोग एक बार पूछ लें कि कौन कौन सा जानवर अवेलेबल है और कौन कौन सा जानवर सोल्ड आउट हो गया है। बहुत ज़्यादा ये जानवर आप लोगों का एक बयान का जानवर होगा, ठीक है ना। ये देखिए कलेक्शन बहुत ही खूब, और जानवर एकदम तीखा जानवर है, ये देखें माशाल्लाह बहुत ही। और लोकेशन इतना खूबसूरत लगा मुझे, मेरी आंखों को इतना ठंडक लगी यहाँ पर जाकर। जब आप भी आएंगे यहाँ पे तो आप लोगों को एक बहुत ही अच्छा एनवायरनमेंट मिलेगा, मतलब इतना अच्छा लुक लगेगा सामने, एकदम आप लोगों का हरियाली हरियाली खेत है और उनमें ये खूबसूरत से जानवर निकल रहे हैं। मतलब ग्रीन में जो वाइट का एक कॉम्बिनेशन आ रहा है, माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। दो नेचर, दो अल्लाह के मखलूकात जो आप लोगों के सामने हैं, एक आप लोगों के पेड़ पौधे के शक्ल में और एक दूसरा आप लोगों का जानदार शक्ल में, जो कि एक जानवर के शक्ल में मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। और ये दोनों का कॉम्बिनेशन मिलकर इस चीज़ को, मतलब इतना खूबसूरत लोकेशन लग रहा है, बहुत ही बेहतरीन लग रहा है भाई। तो मेन मकसद यही होता है व्लॉगिंग का, है कि अच्छा व्लॉगिंग आप लोगों के सामने मैं हाजिर करूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही खूबसूरत सा जानवर है माशाल्लाह, बहुत ही बेहतरीन चीज़ मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ मून डेरियन कैडल फॉर्म से। तो शौकीन भाई बिल्कुल भी देर ना करें, वीडियो के शुरू में नंबर दिया हुआ है, जल्दी से नंबर निकालें और बात करें किस तरीके से यहाँ पे आना है। और वीडियो में देखकर ये ना पूछे कि इसका कितना दाम है, उसका कितना दाम है। मैंने आप लोगों को कलेक्शन दिखा दिया है, आप सामने से आकर दाम करें, क्योंकि कोई भी दाम फिक्स नहीं होता है। ठीक है, आप लोगों को दाम करना पड़ता है, और फ़ोन में कोई दाम नहीं होता है। मैं ये ओनर्स को भी कह देना चाहता हूँ कि आप लोग बिल्कुल भी परेशान ना हो, कोई भी अगर पूछे कि भाई दाम बताइए, ये करिए वो करिए, तो बेहतर है कि आप लोग उन्हें कैटल फॉर्म बुला लें और जानवर को सामने से दिखाएँ, क्योंकि जानवर जब तक सामने से नहीं दिखेंगे लोग वो जानवर को जज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि घर बैठे बैठे जो लोग मतलब टीवी में बैठ के या फिर मोबाइल फ़ोन में देख के जज कर रहे हैं, उन्हें मैं ये कह देना चाहता हूँ कि कैटल फॉर्म आए भाई, अब आ जाएं, क्योंकि वक्त बहुत कम है। अब भी ना आएंगे तो फिर सोच लिए फिर आपके ऊपर है। और कैटल फॉर्म वाले आप बिल्कुल भी इत्मीनान रहें, अलहम्दुलिल्लाह आपके पास काफ़ी सारे कस्टमर्स आने वाले हैं, क्योंकि लेने वाले जो चीज़ होते हैं, मतलब जो लेने वाले हजरात होते हैं, जो खूबसूरत चीज़ को देख कर खुद ब खुद आ जाते हैं। ठीक है ना, तो आप बिल्कुल भी ना घबराएं कि आप लोगों को कस्टमर्स को एक एक जानवर का दाम बताना है, एकदम पैनिक नहीं होना है, रिलैक्स होकर आप लोग बैठिए, कस्टमर्स खुद आएंगे आप लोगों के लिए। कलेक्शंस आप लोगों का बहुत ही खूब है, और इस तरीके के कलेक्शंस के काफ़ी सारे इंसान दीवाने हैं, क्योंकि ये जो बजट है ना भाई, ये आप लोगों का 70% लोगों का ये बजट होता है, जो आपका बजट है लैक के अंदर का। खूबसूरती बहुत ही बेहतरीन है जानवर की, कलेक्शंस बहुत ही अच्छे हैं यहाँ पे मून डेरियन कैटल फॉर्म। मुझे पर्सनली ये कैटल फॉर्म्स का कलेक्शंस बहुत ही खूब लगा, बहुत ही बेहतरीन लगा। शेप देखे जानवरों की, देखने में मुझे ये जानवर पहले बैल लगा था, लेकिन ये खूबसूरत सा गाय है। ये गाय की खूबसूरती और इतना बेहतरीन कलेक्शंस के साथ मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ ना भाई, तो ये सब जो चीज़ है ना, तो आप लोग एक बार ज़रूर पूछ लीजिएगा भाई कि कौन कौन सा जानवर सेल के लिए है और कौन कौन नहीं है, क्योंकि मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि जानवरों का वीडियो डला और कस्टमर्स की भीड़ लगनी शुरू हुई, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है ना, ये देखें खूबसूरती बहुत ही अच्छी है, कलेक्शन बहुत ही बेहतरीन है, और इस तरीके का कलेक्शन मैं बार बार कह रहा हूँ कि काफ़ी सारे लोगों का ये बजट है, और हर कोई चाहते हैं कि जानवर को लेकर रख दें। और ये जो वक्त है, अब ज़्यादा वक्त रहा नहीं है, तो जल्दी से जल्दी अब ख़रीदारी होगी और जानवर को ले लेकर सब रखना शुरू करवा देंगे। तो बेहतर है भाई कि आप भी इस कैटल फॉर्म का एक हिस्सा बने और अपने जानवर को लेकर यहाँ पर रखवा दें। ठीक है ना, क्योंकि सासाराट में मेन प्रॉब्लम ये होता है कि वहाँ से हिसाब यही है कि लो निकलो, और इतना अभी वक्त नहीं है इंसान के पास भी जो इतना दिन पहले जानवर को लेकर आ जाए। खूबसूरती देखे भाई जानवर में, क्या कहिए इनकी खूबसूरती को देखकर, मतलब ये सब रेडी घर का, मतलब जिस हिसाब से खिलाया पिलाया जाता है वही है, एकदम देसी खाना पीना खा के ये सब बने हैं भाई। इनकी आप लोगों को रंगत से ही समझ में आ रही होगी कि एकदम वाइट वाइट जानवर निकल रहे हैं।
माशाल्लाह, मुझे यहाँ का कलेक्शंस एक पर एक लगा भाई। जितना भी कलेक्शंस यहाँ के बहुत ही खूब हैं और यहाँ के ओनर्स बहुत ही खुश मिजाज हैं और बहुत ही अच्छे अखलाक के इंसान हैं। मुझे पर्सनली यहाँ के ओनर से मिलकर बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही अच्छे इंसान है भाई। तो आप लोग, मैं यही कहूँगा कि अच्छे बने, ऊपर वाले की नज़र आपके ऊपर ज़रूर पड़ेगी, बुरे बनेंगे कभी नहीं पड़ेगी। तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। ये देखिए, तो अब और दूसरे जानवर की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ये देखिए, ये खूबसूरत सा मुंडी जानवर भाई, मैं ये गारंटी के साथ कहता हूँ भाई, ये मुंडी जानवर आप बिक गया समझिए बिक गया। क्योंकि भाई ये जो चीज़ है ना भाई, बहुत ही अलग चीज़ है। मैं तो कहूँगा भाई कि इस जानवर को कोई ना कोई भाई लोग मेरा लेकर इसे एक साल पाल ले, उसके बाद जो ये चीज़ बनेगा ना भाई, मतलब भीड़ लग जाएगी इस जानवर को देखने के लिए। क्योंकि इसकी जो शेप है ना और इसकी झालर और इसकी खूबसूरती नेक्स्ट लेवल है भाई, बहुत ही अलग लेवल का चीज़ मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। ये जो होती है ना भाई कि मतलब कोयला के कान में हीरा निकलना, बस वही चीज़ है ये। ये एक हीरा है भाई इस कैटल फॉर्म का। मुझे सबसे खूबसूरत जानवर ये मुंडी लगा। ये देखें इसकी खूबसूरती, चेहरे की बनावट देखें और इसकी मतलब जिसामत देखें, और प्राइस रेंज माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत प्राइस रेंज। बहुत ज़्यादा एक दो जानवर का बात बताया गया था हमें कि कुछ जानवरों का लाख से ऊपर है, वो भी लाख से इतने ही ऊपर के 1,05,000, 1,10,000, वो भी प्राइस नेगोशिएबल है। क्योंकि ये चीज़ ओनर बोल रहे हैं, इसलिए मैंने कहा आप लोगों को लाख के अंदर, फिर भी आप लोग पूछ लेंगे भाई। तो ये भी अगर आप लोगों को बताया, यार खूबसूरती देखे ना भाई इस जानवर की, क्या कहिए, अगर एक साल रख दिया तो क्या बन जाएगा ये, फिर होगा कोई टक्कर में इसका। तो खूबसूरती तलाश रहे हैं काफ़ी सारे लोग, तो बेहतर है कि ये सभी ले लो। और मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि बहुत ही जल्द ये जानवर बिक्री होगा। तो इस जानवर के पीछे मून कैंडल फॉर्म वाले काफ़ी सारे लोग लगने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि आपका ये खूबसूरत सा मतलब कैंडल फॉर्म का ये सबसे बेहतरीन जानवर है। ये मून कैंडल फॉर्म का रियल मून है भाई। इस जानवर का नाम इस कैंडल फॉर्म से ही पढ़ा देता हूँ मैं कि इस जानवर जो ये आपका मुंडी जानवर है, इस जानवर का नाम मून है। तो इस मून को मैं देखता हूँ कि कौन लेगा मून डेरियन कैंडल फॉर्म से, क्योंकि जो इस चांद को ले लेगा उसकी तो चांदनी बन जाएगी। ये देखिए बहुत ही खूबसूरत सा चीज़ मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। अगला हाट से लोकेशन बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही बेहतरीन, अच्छाई मतलब बहुत लोगों में यहाँ की बहुत ही अच्छी है, मतलब एक सुकून है भाई यहाँ पे आकर। बोला जाता है ना कि बहुत बड़ा अच्छा चीज़ बना देने से सुकून नहीं मिलता है भाई, दिल अच्छा बना दिए तो भाई पत्थर में भी सुकून मिल जाएगा। क्या खूब कहा है किसी शायर ने कि मतलब एक बात मैंने सुना था, बहुत ही अच्छा लगा था, काफ़ी बड़ी बात थी, जो बात मुझे बहुत ही बेहतरीन लगी थी, वो शेर मुझे याद नहीं आ पा रहा है, बहुत ही खूबसूरत सा शेर था, वो शेर मैं आप लोगों को सुनाना चाहता हूँ। तो उससे पहले मैं आप लोगों को ये खूबसूरत सा एक मुंडी जानवर मैं आप लोगों को दिखा देना चाहता हूँ। ये देखें, ये भी एक मुंडी जानवर है, काफ़ी भारी मुंडी जानवर, ठीक है ना। ये देखें एग्रेसिव नेचर का ये खूबसूरत सा जानवर मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ पगला हाट से, ठीक है। तो वो शेर कुछ इस तरीके का था कि अपने इश्क की बातें ना कर मुझसे, मैं भी चाहूँ तो पैगाम में मोहब्बत लिख दूँ, अरे ताजमहल भी झुक जाए चूमने के लिए, जो एक पत्थर पे मैं नाम मोहम्मद लिख दूँ। ये देखें फ्रेंड्स, बहुत ही खूबसूरत सा जानवर। तो ये जो शेर मैंने आप लोगों के लिए कहा, जो एक पत्थर पे मैं नाम मोहम्मद लिख दूँ तो ताजमहल भी झुक जाए उसे चूमने के लिए, तो ये जो चीज़ है ना भाई, वही मखलूक़ात मतलब जो अल्लाह ने हमें बनाया है, एक इंसान एक अशरफुल मखलूक़ात बनाया है, और बहुत ही मतलब अपने करीबी नबी के उम्मती बनाया है हमें, ठीक है ना। तो उनका सबसे जो मेन मतलब उनका जो टीचिंग था, उनका जो मेन दर्स था, वो यही था कि अपने अखलाक को अच्छा करें, वादा खिलाफी ना करें, जो वादा किए हैं उस वादा को निभाएं, जो बहुत ही ज़रूरी है, और जो उनकी बातों में रहा वो कामयाब है, और जो उनके वादों से और उनकी बातों से फिरा, देखिए वो नाकाम है। तो इसलिए मैं यही कहूँगा भाई कि मोहब्बत अपनी जगह है, लेकिन उस मोहब्बत को अपने अंदर उतारना अलग सी बात है। तो जो चीज़ को वादा करें उस वादा को निभाएं और उस वादा को पूरा करें और अपने अंदर इखलाक को बनाएं, क्योंकि इखलाक आपकी जितनी अच्छी रहेगी आपका उतना अच्छा मतलब सब कुछ रहेगा, ठीक है, आप कभी किसी प्रॉब्लम में नहीं फंसेंगे। तो ये चीज़ मैं आप लोगों को कह देना चाहता हूँ। काफ़ी सारे लोगों के दिमाग में 6-5 होते रहता है, ठीक है ना। तो 5-6 अपना दिमाग से निकाल लें और अपने आप को सही करें। आज काफ़ी सारे लोग मुझे कह रहे हैं कि भाई जानवर बिक्री नहीं हो रहा, भाई जानवर ये नहीं हो रहा, जानवर वो नहीं हो रहा। अरे भाई जानवर बिक्री होगा, पहले आप जानवर बिक्री कराने वाले का तो सोच लें,
उसके बाद देखिए आपका जानवर खुद ब खुद बिक्री हो जाएगा, क्योंकि एक बिजनेस आप कर रहे हैं भाई तो एक बिजनेस मैं भी कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। आप मुझे नहीं देखेंगे तो आपको वो नहीं देखेगा, आप मुझे देखिए देखिए आपको वो देखेगा, क्योंकि मैं भी तो उसी का बंदा हूँ भाई जिसके बंदे आप हैं। अगर आप मुझे ना देखेंगे तो भाई, क्योंकि आपके कैटल फार्म को मैं, आपका जानवर को मैं दिखा रहा हूँ, आप मुझे नहीं देख रहे हैं, तो फिर वो आपको कैसे देखे जो आप अपने कैटल फार्म के जानवर को बेचने के लिए खड़े हैं, क्योंकि आपके जानवर को कोई कस्टमर देखे, ठीक है ना। तो हर के पीछे एक सिस्टम है भाई, ठीक है। ये देखें तो ये खूबसूरत सा मुंडी जानवर मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, जो कि आप लोगों का पगला हट का है। तो आप लोग यहाँ पर जाएँ और अपने जानवरों को ख़रीदें। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि बार बार मैं बात को क्यों कह रहा हूँ, मैं बार बार इस बात को इसलिए कह रहा हूँ ना भाई, क्योंकि मेरी आदत नहीं है लोगों को सामने, मैं बस परखना चाहता हूँ कि जो लोगों का मैंने काम किया है वो लोग अपनी तरफ से क्या करते हैं। लेकिन लोगों में मैंने एक ही चीज़ देखी है, वो काम हो जाने के बाद फिर हो गया तो, लेकिन उन्हें ये नहीं पता भाई हो गया तो अब तुम्हारा हो गया, किस्सा ख़त्म, समझे ना भाई। तो वही चीज़ मैं बता देना चाहता हूँ कि अगर आप अपना वापस किस्सा को चालू करना चाहते हैं तो समझने की कोशिश करें, हमारी मेहनत को समझने की कोशिश करें, उन धूप में तपती जिस्म को जलाने की अपना वो सोचें कि भाई क्या मेहनत की है हम लोग आप लोगों के लिए, उसके बाद फिर बोलें अपने दिल पर हाथ रख के कि हाँ भाई गलती कहाँ हुई है जो आज जानवर नहीं बिक रहे हैं आप लोगों के, ठीक है ना। तो वो चीज़ पर ध्यान दें और अपने आप को समझाएँ कि नहीं भाई बिज़नेस कर रहे हैं तो सबको लेकर चलना है, जानवर पालते हैं घास खिलाते हैं ना, क्यों खिलाते हैं भाई, क्योंकि नहीं खिलाएंगे तो जानवर बनेगा नहीं। तो वैसा ही एक अच्छा रिलेशन बनाना है ना, तो हमारे साथ भी एक अच्छा रिलेशन बनाने की कोशिश करें। मैं कोई नौकर नहीं हूँ आपका जो बार बार आकर आपके सब दरवाजे पर मतलब खड़ा हो जाऊँ और आपके वीडियो बनाऊँ, नहीं भाई। तो बेहतर यही है कि समझने की कोशिश करें, क्योंकि भाई हम भी यूट्यूबर्स हैं और हमें भी ज़रूरत है और हम अपने काम का पैसा लेते हैं। ये देखें फ्रेंड्स, अगर मैं नहीं कह रहा हूँ तो इसका मतलब ये ना सोचें कि मैं नहीं कह सकता, मैं बस आप लोगों को परखना चाहता हूँ कि आप लोग बिना कहे कुछ आगे बढ़ते हैं या फिर खेला तो देख रहे हैं ऊपर वाले का। तो ये देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही खूबसूरत सा मैं मुंडी जानवर आप लोगों को दिखा रहा हूँ, तो कलेक्शन बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही अच्छा है यहाँ का। तो मून डेयरी इनका प्लेटफॉर्म में जल्दी जल्दी आप लोग आएँ और अपने जानवरों को यहाँ से खरीदें, बहुत ही अच्छा कलेक्शन के साथ मैं आप लोगों को एक एक जानवर को यहाँ का दिखा रहा हूँ। तो ब्लॉगिंग के साथ साथ काफ़ी सारी बातें भी हो जा रही हैं हमारी, जो लोग समझने वाले हैं वो खुद समझ रहे हैं। ये देखें उसके बाद ये वाला खूबसूरत से जानवर देखिए भाई, चांद जैसा सिंह का ये खूबसूरत सा और बहुत ही बेहतरीन से जानवर, जैसे मैं कह रहा था भाई कि यहाँ पे शेप पे जानवर बिक्री होते हैं, ये खूबसूरत सा शेप का जानवर मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, जो कि बहुत ही खूबसूरत चीज़ है भाई। ये देखिए तो कलेक्शन बहुत ही उम्दा, बहुत ही बेहतरीन। जिन भाइयों को भी यहाँ से खूबसूरत से जानवर चाहिए वो जल्दी से जल्दी आएँ और अपने जानवर को यहाँ से खरीदें और यहाँ से जानवर को अपना लेकर आएँ, ठीक है ना फ्रेंड्स। ये देखिए गुलाई बहुत ही बेहतरीन, कलेक्शन बहुत ही उम्दा, जिन भाइयों को भी यहाँ से जानवर चाहिए वो जल्दी जल्दी आएँ और इन सब जानवरों को ले लें, क्योंकि भाई ये बहुत ही सिलेक्टेड पीस में आप लोगों को दिखा रहा हूँ, क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूँ कि भाई ये वीडियो में जो आप लोगों को मैंने प्राइस रेंज बताया है इसका 70-80% कस्टमर, ये चाल देखें माशाल्लाह क्या चाल है भाई, अलग खूबसूरती है इस जानवर के अंदर में, शेप बहुत ही अच्छा है और इस जानवर की चेहरे की बनावट और जिसामत ये देखें, मुझे मैं गारंटी के साथ कहता हूँ भाई कि ये जानवर जो अभी देख रहे हैं स्क्रीन में वो पता वो बस फिदा हो गए इस जानवर के लिए कि कब जाकर इस जानवर को लेंगे। तो भाई जल्दी से जल्दी जाएं, कल ही चले जाएं और अपने जानवर को खरीद लें, बहुत ही खूबसूरत चीज़ है भाई माशाल्लाह, बहुत ही बेहतरीन चीज़ मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, ठीक है ना। पगला आर्ट से ये देखिए, तो जिन भाइयों को भी यहाँ से जानवर चाहिए वो जल्दी जल्दी जाएं और अपने जानवर को यहाँ से खरीदें और लेकर आ जाएं, कलेक्शन बहुत ही उम्दा है भाई पगला आर्ट से, ठीक है। ये देखिए तो काफ़ी दिनों से मैं आप लोगों के सामने वीडियो नहीं लेके आ पा रहा हूँ, क्योंकि कुछ दूसरे भी काम हैं मेरे जिसके वजह से मैं उन कामों में फंसा हुआ हूँ, जिसके वजह से मुझे ब्लॉगिंग करने का हिम्मत मतलब वक्त नहीं मिल पा रहा है, ठीक है ना, और हिम्मत नहीं हो पा रही है कि इतनी गर्मी में मैं जाऊँ और आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊँ, क्योंकि तबीयत भी थोड़ा सा नासाज है, ठीक है ना। ये देखिए कलेक्शन बहुत ही खूब बहुत ही बेहतरीन। तो मैं यही कहना चाहता हूँ भाई कि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि क्या हो आर्यन भाई आप ब्लॉगिंग से आउट हो गए, नहीं मेरा भाई ब्लॉगिंग से कभी आउट नहीं हो आर्यन, आर्यन आज भी वही है, बस थोड़ा सा खाली पेड़ के पीछे खड़ा होकर सामने की मतलब मैदान को देख रहा है कि क्या हो रहा है, अभी पेड़ के नीचे बैठकर छांव में हूँ मैं, जिस दिन धूप में उतर गया ना तो इतना गर्मी पड़ेगा कि दिमाग छलबला जाएगा सब लोगों का, इसलिए मैं अभी थोड़ा सा उनको ठंडक दे रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी गर्म है और अभी मैं अगर ब्लॉगिंग में उतर गया तो काफ़ी सारे लोगों की जल जाएगी, तो इसलिए मैं नहीं चाहता हूँ कि एक तो ऊपर से जलन ऊपर से नीचे से जलन, दो तरफ से जलन हो जाएगा भाई तो इंसान तो छटपटा जाएगा, तो इसलिए मैं थोड़ा सा रुक रुक के आराम आराम से व्लॉगिंग कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो
कलेक्शंस बहुत ही अच्छा, बहुत ही बेहतरीन। यहाँ का एक एक जानवरों को मैंने आप लोगों के सामने दिखा दिया। तो जिन भाइयों को भी यहाँ से जानवर चाहिए वो जल्दी से जल्दी आएँ, अपने जानवरों को ख़रीदें और लेकर जाएँ। और मैं एक सबसे ज़रूरी बात यही कहना चाहूँगा कि इस कैटल फार्म के जो ओनर हैं बहुत ही अच्छे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो मतलब इनकी जो बातें हैं बहुत ही अच्छी लगी मुझे, और इनका एक प्राइस रेंज बहुत ही अच्छा लगा कि आज के वक्त में जब लोग लटपट दाम बोल रहे हैं, यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा रिजनेबल दाम बोला गया। और सबसे बड़ी बात उनकी ये अच्छी लगी कि भाई मुझे इतना ही चाहिए जितना मेरा ज़रूरत है, मुझे हद से ज़्यादा नहीं चाहिए। ये बातें उनकी बहुत ही अच्छी लगी मुझे कि आज भी कुछ लोग ऐसे हैं जो बिज़नेस करने के बावजूद ये बात कह रहे हैं, क्योंकि ये लाइन मुझे सबसे कचड़ा लाइन लगने लगा है, क्योंकि इतने सारे गंदगी हो गए हैं इस लाइन में कि इस गंदगी से मुझे अब समझ में नहीं आती। कभी कभी मन करता है कि इस गंदगी से मैं बाहर आ जाऊँ, जबकि बहुत ही अच्छी चीज़ है लेकिन उसे बहुत गंदगी से किया जा रहा है। बोला जाता है ना भाई कि हराम से कमा कर एक हलाल चीज़ भी हराम हो जाता है। तो आप अपनी कमाई को थोड़ा देख लें और उसके बाद उस चीज़ को देखें कि आप लोग क्या कर रहे हैं, ठीक है ना। तो कलेक्शंस बहुत ही अच्छा मैं दिखा रहा हूँ, जानवर बहुत ही खूबसूरत है। जब आपके इरादे अच्छे रहेंगे तो आपके जानवर अच्छे रहेंगे और आपके कस्टमर अच्छे रहेंगे और आपकी ज़िंदगी अच्छी रहेगी। कलेक्शन बहुत ही खूब, बहुत ही बेहतरीन। तो आगे बढ़ते हैं अब दूसरे जानवर की तरफ में, ठीक है ना फ्रेंड्स। ये देखिए, तो जैसे कि मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, ये देखें, तो ये एक दूसरा जानवर, ये जानवर हल्का मैनी सिंह का है। ये जानवर एक तरफ सिंह की हल्की झुकाव है, ये भी खूबसूरत जानवर है भाई, एकदम मिल्की वाइट जानवर है। तो इसका भी शेप मुझे बहुत ही बेहतरीन लगा। तो कलेक्शंस बहुत ही खूब है, बहुत ही बेहतरीन। तो जल्दी जल्दी आप लोग आएँ यहाँ से जानवरों को ख़रीदें और अपने जानवरों को यहाँ से लेकर जाएँ, क्योंकि मैं हमेशा यही कहता हूँ भाई कि काफ़ी सारे लोग जो हैं यहाँ पर इस तरीके के जानवरों को पसंद कर रहे हैं, ठीक है ना। और ये वक्त है जो इस तरीके के जानवर के अब ज़्यादा नज़र पड़ेगी, क्योंकि मैं इस वीडियो में न जाने कितने बार पहले ही बोल चुका हूँ इसी वीडियो में कि भाई इस तरीके के जानवर के लोग काफ़ी सारे दीवाने हैं, क्योंकि ये वो बजट है जो काफ़ी सारे लोग इस तरीके के जानवर को तलाशते हैं। और ये उनकी तलाश अब इस कैटल फार्म में इंशाल्लाह इंशाल्लाह ख़त्म होगी, क्योंकि यहाँ पे कलेक्शंस बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही बेहतरीन जानवर है यहाँ पे मून डेरियन कैटल फार्म में। कुछ जानवर तो इतने खूबसूरत है जैसे कि वो मुंडी जानवर, जिसे मैंने इस कैटल फार्म के नाम के हिसाब से ही रख दिया मून, ठीक है ना, क्योंकि अभी तक मून करके कोई जानवर नहीं आई है। तो ये मून जो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ इस कैटल फार्म की, मैंने जो मून को दिखाया आप लोगों को, जो कि मुंडी जानवर गई है, उस पर एक बार ज़रूर ख़ास नज़र डालिए, क्योंकि वो बहुत ही बेहतरीन चीज़ है, ठीक है ना। तो मैं हर कैटल फार्म वाले और कस्टमर से कहना चाहूँगा बस, लेकिन भाई उसे अगर एक साल आप लोग रख लें तो मून वो मून बनेगी जिसे चकोर क्या हर एक इंसान बैठ कर देखेंगे। ये देखें फ्रेंड्स, तो माशाल्लाह बहुत ही बेहतरीन कलेक्शंस के साथ मून डेरियन कैटल फार्म का एक एक जानवर को मैंने आप लोग खड़ा होने का अंदाज देखे भाई। ये सब होती है जानवर की बनावट, मतलब इसमें थरपारकर लुक आ रहा है इसके सामने के, अगर इस चेहरे को देखें हल्का एस नुमा चेहरा है। ये जो आपका ब्रीड है भाई, इसमें आप लोगों का थरपारकर टच है, जानवर का खड़ा होने का अंदाज ही आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ये सब बनने वाले हैं हम लोग माशाल्लाह। कभी आप लोगों ने ऐसा देखा कि जानवर चलते चलते बैठ गया? मैंने फर्स्ट टाइम ये चीज़ देखा कि इतना चटक बैठ गया जानवर, और ये देखें वापस उड़ भी गया। मतलब इस तरीके के जानवर जो होते हैं जो जल्दी से चटक बैठ के उठते हैं वो अक्सर हर्मट होते हैं। अक्सर लोडिंग एंड लोडिंग के वक्त में हम लोग देखते हैं कि जानवर उठ रहा है बैठ रहा है, उठ रहा है बैठ रहा है, उसके बाद रोलबाजी। बहुत जल्द एक वीडियो आएगा जो कि पिछले साल का मैंने एक वीडियो रिमाइंडर के तौर पर आप लोगों के लिए लगाया है लोडिंग एंड लोडिंग का, बहुत ही जल्द उसमें भी देखिए कि एक जानवर वैसा ही कंडीशन में मतलब ऊपर बैठा उठा बैठी कर रहा है, ठीक है ना। तो ये लेकिन जानवर बहुत ही ठंडा मिजाज का जानवर है, ठीक है। अब हो सकता है कि थोड़ा सा वो अपने आप को थोड़ा सा स्ट्रेच कर रहा होगा। ये देखें खूबसूरत चीज़ है माशाल्लाह, बहुत ही बेहतरीन। तो ये खूबसूरत सा एस नुमा चेहरा का ये जानवर मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ पगला हाट से। तो जल्दी से जल्दी आप लोग आएँ यहाँ से जानवर को ख़रीदें और लेकर जाएँ, बहुत ही बेहतरीन चीज़। खड़े होने का अंदाज़ देखें इस जानवर का, एकदम चौड़ा सीना का जानवर है। सामने की अगर इसकी बाँह देखें तो ये चौड़ा बाँह का जानवर है भाई, बस इस जानवर को तैयार होना। ये देखें इस तरीके के काफ़ी सारे जानवरों को मैंने इस बार नोटिस किया है जिसके सामने की जो चौड़ाई है बहुत ही खूबसूरत है। ये जानवर को बनना बाकी है भाई, ये जानवर जब बन जाएगा ना तो ये अलग लेवल का चीज़ लगेगा, क्योंकि भाई मेन चीज़ है कि इसका पैटर्न, पैटर्न कितना खूबसूरत है। पैटर्न जितना खूबसूरत रहेगा जानवर उतना ही खूबसूरत बनेगा। कलेक्शंस बहुत ही खूब, जानवर बहुत ही बेहतरीन। तो चले भाई अब ऐसे ऐसे इस जानवर को हम लोग अंदर की तरफ लेकर चलते हैं। ये देखिए माशाल्लाह एकदम मिल्की वाइट जानवर मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ पगला हाट से। बहुत ही खूब कलेक्शंस लगा मुझे यहाँ का। तो चलते हैं अब आगे बढ़ते हैं, अब दूसरा जानवर की तरफ में हम लोग देखते हैं।
तो इसमें मैंने काउंटिंग एक भी जानवर का नहीं बताया कि कौन नंबर वन कौन नंबर टू कुछ नहीं, इसलिए मैंने हर बार दूसरा जानवर आगे चलते हैं यही कह रहा हूँ। ये देखिए माशाल्लाह ये भी जानवर बहुत ही बेहतरीन है। मैं इसलिए बार बार इस बात को कह रहा हूँ कि आप लोग सामने से आकर जानवर को देखें, ठीक है, क्योंकि काउंटिंग के हिसाब से नहीं बताऊँगा, क्योंकि इस ब्लॉगिंग के हिसाब से मैंने पाँच जानवर, जैसे कि मैं कह रहा हूँ कि पाँच जानवर जो जो जानवरों को मैंने निकाला है उनमें से पाँच जानवर बिक चुके हैं। लेकिन एक चीज़ याद रखिए कि मुंडी जानवर को अभी रखा गया है और मुंडी जानवर नहीं बिका है, और लास्ट में कुछ और भी जानवर जैसे थरपारकर टाइप का मैं जानवर कह रहा था वो नहीं बिका है, तो काफ़ी सारे ऐसे भी जानवर हैं। अब ये आप लोगों के लिए कंक्लूजन है कि कौन से जानवर बिका है कौन सा नहीं बिका है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जाएँ सामने और जाकर ले लें, क्योंकि एक ही कस्टमर सुनने में आया कि एक ही बार पाँच जानवर ले लिया, क्योंकि कलेक्शन ही इतना खूबसूरत है। तो भाई ऐसा ना हो कि दूसरा जानवर दूसरा कस्टमर आके पूरा ही जानवर लेकर चले जाए, जल्दी जल्दी जाइए, सभी चले जाएगा भाई तो आप क्या लिएगा, तो आप नहीं जाइएगा तो कब जाइएगा भाई, जल्दी आइए मुंडेरियन कैटल फार्म और अपनी किस्मत को चमकाइए जाकर, जैसे मुंडेरियन कैटल फार्म चमकेगा। माशाल्लाह बहुत ही खूब कलेक्शंस, काफ़ी सारे कैटल फार्म्स को अभी तक मैंने ज़मीन से उठाकर आसमान पर बैठा दिया है अपनी मेहनत की वजह से। मुझे अपनी मेहनत पर भरोसा है भाई कि कस्टमर आएंगे, क्योंकि भाई काफ़ी मेहनत करके मैंने अपने आप को उस लेवल में ले आकर खड़ा किया है जहाँ पे इंसान सुनते हैं अब मेरी बातों को और अमल करते हैं। चलते फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो पर, अस्सलाम वालेकुम एंड अल्लाह हाफिज़।